morning, children. Today we will be finishing off this poem called "Foreign Lands," poem number four from your reader book. We have already done first three standards, uh, stanzas of your poem, and today we will be doing the next two, and also we will be uh, discussing the comprehension exercise of the poem. Let's start with it. I will just zoom in for you the paragraph so that you understand everything. All right. If you, if I could find a taller tree farther and farther i should see to where the grown-up river slips into the sea among the ships now isse pehle is humne padha tha ki hai, okay and he is wanting to climb a cherry tree and a cherry tree climb karta uh, with his trunk uh, you know with the help of the tree's trunk and he looks abroad to the foreign lands he looks upon the next door neighbors गार्डन विच इज अडोन्ड विद फ्लावर्स ओके एंड ही सी मेनी प्लेज एट प्लेसिज विच यर नेवर सीन बिफोर ही सीज़ अ डिम्पलिंग रिवर एंड ट्राम्पिंग यू नो ट्रेवलर्स विच आर गोइंग इन टू द टाउन नाउ ही सीज़ आई कुड आई विश आई कुड फाइंड अ टोलेट ट्री इफ आई कुड फाइंड अ टोले ट्री वो कह रहे हैं कि अगर मुझे इस चेरी ट्री से भी लम्बा एक ट्री मिल जाएगा तो मैं और दूर तक देख पाऊँगा एंड आई विश कि मुझे वो मिले फारदर एंड फारदर आई शो सी फार्दर मतलब और दूर तक ठीक है फारदर ध्यान से इस वर्ड को देखिए फादर मत लिखिएगा इसकी जगह चिल्ड्रन इट इज फारदर एफ ए आर टी एच ई आर फारदर मीन्स और दूर तक ओके टू वेयर द ग्रोन अप रिवर स्लिप्स यानी कि जो कि वो रिवर ग्रो होती हुई दिख रही है उसको डिम जो उसने यहाँ पे भी देखा था डिम्पलिंग रिवर थी, okay? जो थी ओके जो डिम्पलिंग रिवर उसने देखी थी जो कि ऐसा लग रहा है कि ऊपर की तरफ ग्रो कर रही है बिकॉज ही इज लुकिंग लाइक दैट ही वॉन्स टू सी कि वो जो रिवर है वो कब यू नो सी में जाके स्लिप हो जाती है अमंग्स द शिप्स टू वे द ग्रोन अप रिवर स्लिप्स

वेर ऑल द चिल्ड्रन डाइन एट फाइव एंड ऑल द प्ले थिंग टू वेयर द रोट्स ऑन आइदर हैंड यानी कि मतलब जो भी दो में से किसी का भी कोई भी हैंड ओके ऑन वन हैंड का मतलब है एक तरफ ऑन द अदर हैंड का मतलब होता है दूसरी तरफ यहाँ पे जो ऑथर है वो कह रहे हैं कि ऑन द आईदर हैंड यानी कि दोनों में से कोई भी हैंड की तरफ आप देखोगे तो दे लीड टूआ फेरी लैंड यानि कि जहाँ पे जो सी और रिवर का मिलन हो रहा है वहाँ पे आप दोनों तरफ देखोगे और कोई भी तरफ देखोगे तो आपको फेरी लैंड की तरफ वो लीड करेगा ओके okay? रास्ता फेरी लैंड को ही जाएगा वेयर ऑल द चिल्ड्रन डाइन एट फाइव जहाँ पे सारे बच्चे पाँच बजे खाना खा लेते हैं अपना एंड ऑल द प्ले थिंग्स कम अलाइव यानी कि जो भी खेलने की चीज़ें हैं उनकी जो भी खिलौने हैं उनकी फेवरेट चीज़ें हैं उन सब में जान आ जाती है यानी कि ऑथर को ऐसा लगता है कि जो दूर के लैंड्स हैं ठीक है जहाँ तक वो कभी जा नहीं सकता या जो उसे उसे ट्री पे चढ़ के दिख रही है वो जो है एक ऐसी लैंड है जहाँ पे सब बच्चे पाँच बजे खाना खा लेते हैं और वहाँ पे सारी प्ले थिंग्स जो हैं प्ले थिंग्स का मतलब होता है टॉयज वो सब अलाइव हो जाते हैं वो सब जान आ जाती है उनमें ओके एंड दैट इज कॉल्ड अ फेरी लैंड जहाँ पे जो भी आप सोचते हैं वो सच हो जाता है सो दैट्स इट अबाउट चिल्ड्रन यही है पोएम में अभी तक ओके चिल्ड्रन नाउ वी हैव वर्ड मीनिंग्स यहाँ पे जो भी पोएम दी है वो यहाँ पे लिखे हुए हैं यू कैन रेफर टू दिस एंड यू हैव टू लर्न देम सो दैट यू रिमेंबर द पोए बेटर लेट्स डू दम्प्रिहेंशन एक्सरसाइज राइट नाउ द पोए क्लाइम्स अप अ ट्री एंड इज फिल्ड विथ द थिंग्स ही कैन सी कैन यू रिकाउंट दैम यानी कि रिकाउंट का मतलब है क्या आप उसे दोबारा याद कर सकते हैं दोबारा से काउंट कर सकते हैं द पोईट कुश नेक्स्ट डोर चिल्ड्रेन आई वॉन्ट यू टू रीड द पोएम एंड डू दिस एक्सरसाइज ऑन योर ओन लेटर ऑन आई विल गिव यू द आंसर्स लेकिन पहले मुझे चाहिए कि आप सब लोग ये अपना आप करेंगे एक्सरसाइज उसके बाद में आपको आंसर्स दूँगी नॉट राइट नाउ ये बुक में लिखा है अगर आप पोएम पढ़ेंगे तो आपको आसानी से इनके आंसर्स मिल जाएंगे फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वन सी नेक्स्ट डोर लिखा है ना तो आप पोएम में ढूंढो नेक्स्ट डोर कहाँ पर है

you can change the words but it has to make the same meaning as the poem next one answers the following questions briefly where does the poet climb he climbs on a cherry tree he climbs on a cherry tree what did the poet hold he hold he held the trunk why was the poet happy on seeing the pleasant places? because they were beautiful. and they were foreign lands. foreign lands. okay. then next one. what kind of a tree did the poet want to climb to see farther and farther? he wanted to climb a even taller. ट्रीन द चेरी ट्री राइट वेपन इन फेरीलैंड इन फेरीलैंड एवरी वन डाइन ऑल दिल्ड्रन ऑल दिल्ड्रन डाइन डाइन का मतलब होता है चिल्ड्रन डिनर करना ओके डाइन का मतलब होता है डिनर करना डाइन

अब द कॉम्प्रेंशन एक्सरसाइज करना है अपनी नोटबुक में एंड यू हैव टू गेट मी द पिक्चर्स थैंक यू सो मच चिल्ड्रन इफ एनी डाउट यू कैन प्लीज़ आस्क मी यू कैन प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी फॉर दैट थैंक यू सो मच